इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि भाई विद्युत जमवाल अपने खतरनाक स्टंट और भाई शानदार एक्शन के लिए जाने जाते हैं यार। भाई कई बार ऐसा होता है जो बंदा जो चीज में परफेक्ट आता है यार वही चीज कराना ज्यादा बेहतर रहता है यार। तो भाई कई बार ऐसा होता है यार कि ज्यादा अगड़म तिगड़म दिमाग लगाने में यार मतलब भैया जो पहले का मजा रहता है वो भी खराब हो जाता है। बात तो सही है। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ क्रैक मूवी के रिव्यू का। तो भाई अगर क्रैक मूवी का ट्रेलर देखा रहेगा आपने, ट्रेलर टीजर दोनों देखा रहेगा भाई, आपको एक्चुअल में मालूम हुआ रहेगा कि विद्युत जमवाल एक टपोरे का किरदार निभा रहे हैं। भाई अगर आप मूवी देखोगे विद्युत जमवाल का एक्शन और स्टंट तक तो ठीक था, लेकिन यार ये टपोरी वाला किरदार मजा नहीं आ रहा है। पर फिर भी ओवरऑल मतलब ठीक ठाक है भाई। नोड़ा नोड़ा अच्छा सॉरी नोड़ा सॉरी। भाई कई लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, भाई तो कुछ बोलना मत यार, कई लोगों का क्रश है यार नोरा फतेही पे। मतलब नोरा के जगह कई बार होता है यार कि नोरा के जगह मेरा नोड़ा निकल जाता है यार। अच्छा हमको सिखा रिया है। मैं बात कर रहा हूँ नोरा फतेही यार। तो नोरा फतेही का यार डांस तो भाई सभी ने देखा होगा। डांस देखने के बाद भाई मतलब यार आंखें मलकती नहीं है यार, मतलब पलके झपकती नहीं है। अगर भाई क्रैक मूवी देखते हो यार तो फिर भी आपकी आंखें नहीं झपकेंगी यार, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा। आदित्य सर ने क्या करवा दिया यार। कई बार ऐसा होता है कि भाई कई एक्टर ऐसे रहते हैं यार हीरो का किरदार निभाते हैं और फिर विलेन का किरदार निभाते हैं। ऐसा लगता है यार कि भाई इसको हीरो के जगह विलेन का ही किरदार सूट करता है। भाई 90 के टाइम पे जब शाहरुख खान आए थे हीरो के बतौर पे आए थे, लेकिन यार जब डर मूवी में उन्होंने एक्टिंग किया यार भाई जो विलेन का किरदार निभाया भाई मतलब एकदम फाड़ के रख दिया था यार। अगर भाई आपने रावण देखा रहेगा तो काबिले तारीफ है भाई मूवी में अर्जुन रामपाल का भाई विलेन का किरदार। और भाई एक और साउथ में तेलुगु मूवी है भगवंत केसरी करके, अर्जुन रामपाल ने विलेन का किरदार निभाया है। और भाई जब जब भी विलेन का किरदार निभाए अर्जुन रामपाल ज्यादा ही सूट करता है यार अर्जुन रामपाल पे। भाई मूवी के रिव्यू है तो भाई मूवी की स्टोरी के बारे में लेकर चलता हूँ। जैसे भाई ट्रेलर में थोड़ा सा मैंने बताया भी था, ट्रेलर पे रिव्यू किया था मैंने। और भाई मूवी में विद्युत जमवाल है यार, तो भाई एक्शन स्टंट का भाई तो फिक्र ही ना करो भाई। एमी जैक्सन का भी जो कॉमेडी है, जो एमी जैक्सन का भी एक्शन है जो भाई वो भी मतलब परफेक्ट ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा एवरेज टाइप का है। लेकिन यार कुछ अगर अलग करते थे भाई, कुछ और ढंग का करते थे यार तो ज्यादा बेहतर रहता था। भाई मैं बताऊंगा भाई कि मेरी तरफ से भाई तो मूवी एक बार आप देख ही सकते हो भाई, एक बार देखने लायक है। अब एक्शन के फैन हो, आपको एक्शन मूवी देखना पसंद लगता है तो भाई जाके देख सकते हो, दो बार देख सकते हो, तीन बार देख सकते हो। पर्सनली भाई मैं बताऊं तो भाई मुझे भाई इसका एक्शन तो भाई एकदम धमाकेदार लगा है। कुछ भाई स्टंट है, कुछ एक्शन है कि भाई जो बॉलीवुड को अलग ही लेवल पे लेके जाता है इस सब के मामले में भाई, तो मतलब परफेक्ट है। एक्टिंग की बात किया जाए तो भाई एक्टिंग भाई सबका एवरेज है, मतलब ठीक ठाक है भाई। अर्शी गेमिंग टाइप की मूवी भाई बॉलीवुड में पहली बार बन रही है, प्राउड की बात है बॉलीवुड के लिए। और दोनों का भाई जो केमिस्ट्री है भाई, जो दोनों का एक्शन है अर्जुन रामपाल और विद्युत जमवाल का लास्ट के सीन में भाई, लास्ट तक उसी का वेट कर रहा था भाई, लास्ट सीन कब आए अर्जुन रामपाल और विद्युत जमवाल का एक्शन साथ में देखने को मिले। और दोनों का भाई एक्शन है जो एकदम मस्त है यार, बिल्कुल भाई हॉलीवुड के टक्कर में लेके जाती है भाई एक्शन। मूवी तो देखना बनता ही बनता है यार एक्शन के, अगर आप शौकीन हो तो जाओ मूवी देखो ही देखो। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कर देना सब्सक्राइब यार, भाई को सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।